everyone, welcome to 8.03 Afterlife. This is me Shweta and I hope you all are doing absolutely fine. So aaj ke vlog mein I'll be taking you to monastery. It's a Buddhist monastery in Shillong itself, also known as Gumba. And in my 22 years of lifespan, this is my first time that I'll be visiting there. And I hope you like the video, so keep watching and stay tuned. गाइस हम मोनास्ट्री पहुंच चुके हैं. बहुत ही दूर है मोनास्ट्री, आपको सिटी से लगेंगे कुल करीबन 20-25 मिनट. और बुकिंग करना होगा आपको कैब और समथिंग, एंड इट टुक समथिंग अराउंड 200 फॉर अ बुक कैब. सो अभी हम चलते हैं अंदर मोनास्ट्री के. That is why I love visiting to religious places, be it church, monastery, mandir or anything. It's very, very, very peaceful and nice. Kaisa lag raha hai tujhe? Shanti. Okay. Kaisa lag raha hai? ये तो पता नहीं कौन है, बाकी सारे डिसेंडेंट्स होंगे उनके. So.
like very, very, very peaceful. And you look too. See, this is the witness of कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आते हैं. सो दिस इज नेपाल का 5 रुपए का नोट. तो इससे पता चलता है कि नेपाल से भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं. एंड आई शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज दिस. इसे कहते हैं फाक्सा. हाँ, फाक्सा ही कहते हैं. और ये है विद दिस लाइक तिब्बतन प्रसादी. ये ऐसे भी खा सकते हैं बट प्रसाद के रूप में ये यहाँ पे सर्व होता है. और यहाँ पे ज़्यादातर प्रसादी के तौर में बिस्किट, बंस वगैरह और टॉफीज वगैरह वो सब सर्व होता है. आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे जेलीज वगैरह ज़्यादातर सर्व होती है. इट इज इंटरेस्टिंग. और ये है मतलब बहुत पहले की पिक्चर, योर हाइनेस हिज होलीनेस दलाई लामा की. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये. वेन एवर यू आर इन शिलोंग डू नॉट फॉरगेट टू विजिट टू द मोनेस्ट्री ऑफ लुम्पारिंग. क्योंकि बहुत कम लोग मतलब शिलोंग से तो आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ विजिट करते हैं. सो इफ यू एवर प्लान टू विजिट टू शिलोंग डू नॉट फॉरगेट टू विजिट टू दिस मोनेस्ट्री. इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स वन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड प्लेस ऑफ शिलोंग. सो यही था आज का हमारा सफ़र. एक्चुअली यहाँ से हम और जाएंगे क्योंकि मंडे मेरा बर्थडे है. सो मे बी ये वीडियो कल आएगा पर मंडे मेरा बर्थडे है. सो बर्थडे के लिए थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगे. सो फिलहाल मोनेस्ट्री का सफ़र तो यहीं तक है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू. कीप वॉचिंग 8.03. वैसे गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गई, इज दैट कि अब जाते वक्त वो कैब कर लोगे पर आते वक्त आपको पैदल ही आना होगा क्योंकि वहाँ पे कोई कैब नहीं मिलेगी. सो आपको पैदल चल के लवान तक जाना पड़ेगा. उसके बाद आपको वहाँ से कोई कैब मिलेगी जो आपको सिटी तक लेके जाएगा. वैसे अगर आप लवान आ गए हो तो दैट इज़ अ सिटी ओनली. सो शॉर्टकट ही है. बस आप जब कार से ट्रैवल करते हो तो बहुत ही टाइम लगता है. सो इतना ही आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था. Money.